दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। आज की वीडियो में हम आपको 7 ऐसी दैवीय शक्तियों के बारे में बताएंगे, जिसे जानने के बाद आपको ये ज्ञात होगा कि कौन सी वह दैवीय शक्ति है जो आपकी रक्षा कर रही है। आपकी दैवीय शक्ति आपकी रक्षा क्यों कर रही है, आपका उस शक्ति से क्या संबंध है, कैसे आप उसे जागृत कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आज हम आपको देंगे। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं जा रहे होते हैं और आपका एक्सीडेंट होने वाला होता है, आप बाल बाल बच जाते हैं। तब आप भगवान का धन्यवाद करते हैं कि हे भगवान, आपने मुझे बचा लिया। आपकी गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हो जाती है, लेकिन आपको कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई ना कोई दैवीय शक्ति होती है जो आपकी रक्षा करती है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी नौकरी में किसी तरह की दिक्कत आती है, आप अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते, आपको नौकरी से निकालने की भी नौबत आ जाती है। तब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और आपकी नौकरी बच जाती है। तो ये सब कैसे होता है? कोई तो दैवीय शक्ति होती है जो आपकी पीछे से रक्षा कर रही है, कोई तो ऐसी शक्ति है जो हर पल आपकी सहायता कर रही है, हर पल आपके साथ है और आपकी हर परेशानी दूर कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि आपके परिवार पर कोई संकट आ जाता है और तब आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। तब अचानक जहाँ कुछ उम्मीद नहीं होती, वहाँ सब ठीक हो जाता है। तो ये सब कैसे होता है? कोई तो दैवीय शक्ति है जो हर पल आपके साथ है और आपके लिए खड़ी है, आपकी रक्षा कर रही है, आपको बचा रही है हर उस संकट से जो शायद आपको साथ ले जाए, पर ये दैवीय शक्ति आपको बचाती है, आपकी रक्षा करती है। यानी कि सीधा अर्थ ये है कि कोई तो दैवीय शक्ति है जो आपके साथ है। बहुत बार होता है कि कोई नकारात्मक शक्ति आपको घेर लेती है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है, लेकिन आप वहां से भी बच निकलते हैं, क्योंकि ये दैवीय शक्ति आपको वहां से बचा कर ले आती है। बहुत बार आप बड़ी मुसीबत में फंस कर वहां से सुरक्षित निकल आते हैं। तो ये सब दैवीय शक्तियां ही करवाती हैं, ये शक्तियां हर पल आपके साथ रहती हैं। तो अब ये कौन सी शक्तियां हैं, आप इसे पहचान सकते हैं जो आपकी रक्षा कर रही है? तो देखिए, ये जो शक्तियां होती हैं, ये आपके पिछले जन्म में साथ होती हैं, जिनकी आपने सेवा की है, उपासना की है, और इसलिए ये शक्ति हर जन्म में आपके साथ रहती है और आपकी रक्षा करती है। या फिर इस जन्म की भी कोई शक्ति हो सकती है, आपके पितृ हो सकते हैं, आपकी कुलदेवी या कुल देवता हो सकते हैं, आपके ईष्ट की शक्ति भी हो सकती है जो आपके हर पल साथ है। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं और आपकी रक्षा होती है, तो समझ लें कि आपके पितर आपके साथ हैं जो आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके घर के पितर देवता ही हैं जो आपकी सहायता कर रहे हैं। जब आप अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, तो आपके पितर इससे प्रसन्न होते हैं। अगर आपको आपकी कुलदेवी का पता करना है कि वह आपके साथ आपकी रक्षा कर रही है या नहीं, तो आप जब उनके मंदिर जाते हैं, उन्हें भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, उनकी आराधना करते हैं और आपके संकट में वे आपको बचा रही हैं, आपकी रक्षा कर रही हैं। यदि आप रोज आपके ईष्ट देव की पूजा करते हैं, तो समझ जाइए कि आपके ईष्ट देव ही हैं जो आपकी सहायता कर रहे हैं। अब हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे, जिससे आपको सटीक तरीके से पता चलेगा कि वह कौन सी शक्ति है जो आपकी रक्षा कर रही है। ये शक्ति बकायदा आपको दर्शन भी देगी और आप जानेंगे कि वह कौन सी दैवीय शक्ति है। बस आपको मात्र एक उपाय करना है और फिर आपको उन दैवीय शक्तियों का पता चल जाएगा। बस आपको सोने से पहले ये उपाय करना है। तो आपको करना क्या है कि पूजा वाली एक सुपारी लेनी है, 2 लौंग, 2 इलायची लेनी है और 11 रुपए लेने हैं, और आपको लेना है तिलक, हनुमान जी वाला तिलक जो हम लगाते हैं वो ले लें। तो अब आपको शाम को जब आप पूजा करें, उस समय एक सफेद कपड़ा ले लें, छोटा सा जो यूज न किया गया हो, और तिलक को ले लें। अब आपको जो सिंदूर आपने तिलक बनाने के लिए लिया है, उसमें घी मिलाकर रुमाल पर स्वास्तिक बना दें और फिर
उस स्वास्तिक के बीच में आपको वो सुपारी लेनी है और उस पर तिलक लगा देना है। तिलक लगाने के बाद आपको उस सुपारी को 11 रुपए, 2 लौंग, 2 इलायची और उस सुपारी को धूप और ज्योति दीपक दिखा देना है और हाथ जोड़कर कहना है कि हे शक्ति, आप जो भी हो, जो हर समय मेरा साथ दे रही हैं और मेरी रक्षा कर रही हैं, मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ। आप आज रात सपने में मुझे दर्शन दें, मुझे बताएं कि आप कौन हैं जो हर समय मेरे साथ हैं। बस इस उपाय को कर लें, वो दैवी शक्ति आपको अवश्य दर्शन देगी। इस उपाय को वो भी कर सकते हैं जो रोज पूजा पाठ करते हैं, और ये उपाय वो भी कर सकते हैं जो ये सब घटनाएं महसूस कर रहे हैं। तो आप इस उपाय को कर लें। अब जब आप उन दैवी शक्ति का आवाहन करें, तब उस सफेद रुमाल की पोटली बनाकर उसे अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाएं। सोने से पहले भी आपको उन दैवी शक्ति से प्रार्थना करनी है। हे दैवी शक्ति, आप जो भी हैं, जो मेरी रक्षा और मेरी सहायता करती हैं, आप मुझे संकेत दें कि आप कौन हैं, दर्शन दें, तो इस उपाय को करने से वह दैवी शक्ति अवश्य ही आपको दर्शन देगी या कोई ना कोई संकेत देगी जो आपको बताएगा कि आपके साथ कौन सी शक्ति है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखें। जय श्री कृष्ण।